अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन डोनट बनाना बताते हैं, और इसमें हम कुछ वेज डाल के बनाएंगे। तो आपकी चॉइस, आप कोई भी वेजी वेज डाल सकते हैं। तो जिसके लिए मुझे सबसे पहले, मैंने दो ब्रेड लिए हैं, इनको मैंने इस तरह तोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर ली है, 1/4 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 1 एग लिया है रूम टेम्परेचर, और मैंने हाफ प्याली कोरिएंडर धनिया लिया है, 2 kg मैंने चिकन लिया और मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, 1 अदद मैंने अनियन लिया है, इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, और मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया था, और मैंने 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है। तो अब मैं इन सब को एक बॉल में डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह सबको एक साथ मिक्स करके फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। अब मैंने एक बॉल लिया है, उसमें मैंने ये ब्रेड डालनी है, जो मैंने इसको 2 ब्रेड ली हैं फ्रेश वाली, और ये ब्लैक पेपर, नमक और रेड चिली पाउडर है, सबको एक साथ डालना है। अब हम ये सब भी इसके अंदर डाल देंगे। तो अब मैंने जितने भी सारे, मैंने शिमला मिर्च, प्याज, आलू, चिकन और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हरा धनिया, चिकन, ये सब हमने डाल दिया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन। अब हम इसको सबको यकजा करके ब्लेंड कर लेंगे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून और 1 एग। तो फिर अब हम इनको फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये हमारा चिकन का जो हमने सर ब्लेंड किया था, मैंने इसको 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख लिया था, और ये अच्छी तरह सेट हो गया है, और ये ब्रेड क्रम्स हैं, और ये मैंने 2 एग लिए हैं, इनमें पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है, पिंच ऑफ मैंने ब्लैक पेपर डाली है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, और ये ऑयल है, आप एनी ऑयल ले सकती हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है, और ये डिश है जिसमें मैं कबाब रखूँगी। चलिए अब हम कबाब रेडी करते हैं। अब हम ऑयल हाथों में लगाएंगे इस तरह करके, अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे, और हम एक बॉल बनाएंगे इस तरह करके, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है और हाथों से प्रेस करेंगे। इसको ब्रेड क्रम्ब पर रखेंगे, हाथों से हमने सेट कर देंगे इसको अच्छी तरह। अब इसको हम फिर एग में डालेंगे, इसको बहुत स्लोली हमने करना है, फिर ब्रेड क्रम्ब में डालेंगे, फिर ऐसे करेंगे, और हम इसमें रख देंगे, और कोई भी सा भी ढक्कन लेके हम इसको इस तरह कर लेंगे डोनट। और फिर हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे, और इसी तरह हम सारे डोनट रेडी कर लेते हैं। डोनट रेडी हो गए हैं, मैंने ये थोड़े से डिफरेंट कटलेट्स
कटलेट्स की शेप में बनाए हैं, और ये 4 मैंने डोनट, तो बाकी मैं बाद में बनाती हूँ क्योंकि अभी रोज़े का टाइम है और मैं बस बच्चों के लिए रेडी कर लूँ और आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। हमने फ्रायर में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो हमारा ऑयल तकरीबन, इसमें मैं पकौड़े वगैरह भी इसी में बनाती हूँ तो इसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चले हम अब इसके ऊपर डोनट रखते हैं, ये करके चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। अभी हमारा ऑयल हल्का गर्म है, ज़्यादा नहीं। चलो सही गर्म हो जाएगा तो हम फिर रखेंगे, और हम फिर इसी तरह आराम से इस तरह उठाएंगे डोनट को, इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हमने इसको लो पे हमने करना है, हाई पे नहीं पकाना, नहीं तो अंदर से कच्चा पन रहेगा। तो ये तो फुल फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ जब हम पलटेंगे। ऑयल में जाके माशाल्लाह खुद ही सेट हो जाते हैं चिकन, पहले बहुत सॉफ्ट लगता है, बाद में बहुत अच्छी तरह हो जाता है ऑयल में जब जाता है। कितना ब्यूटीफुल मेरा चिकन डोनट रेडी हुआ है। देखिए मेरा डोनट कितना खूबसूरत तैयार हो गया, ब्यूटीफुल। हम इसको निकाल लेंगे ताकि अच्छी तरह ऑयल, ये हमारे डोनट रेडी हो चुके हैं। ये हमारा चीज़ वाला है, ये विदाउट चीज़ है हमारे, तो इसके साथ मैंने चटनी बनाई है रायता धनिया पुदीने की। तो आप इसके साथ कैचअप, मायनीज, चिली सॉस, स्वीट चिली सॉस, बर्गर सॉस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलें आपको मैं एक डोनट तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बाहर भी आ गई है, बड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। डोनट तोड़ के अंदर से इसकी फीलिंग आप देखिए, वाह लुक चीज़ी है, सो डिलीशियस। और अब हम दूसरा भी आपको दिखा दिखा देते हैं बगैर चीज़ के तोड़ के। देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। और ये आपको चीज़ वाला दोबारा दिखा देती हूँ मैं, इसकी फीलिंग ये देखिए, ये चीज़ वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे आज के चिकन डोनट एंड विद चीज़ के साथ, तो आपके ऑप्शनल है आप चीज़ डालें नहीं डालें, आपको डिपेंड करता है, आपको जैसे अच्छा लगता है करें। तो बच्चे चीज़ लाइक बहुत करते हैं तो इसलिए मैंने चीज़ डाली। तो प्लीज़ अगर मेरे आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।